हेलो स्टूडेंट, आज हम कंपनी अकाउंट के बारे में इशू ऑफ प्रीमियम, कंपनी जो शेयर इशू करती है वो प्रीमियम पे करती है तो क्या एंट्री होती है, क्वेश्चन नंबर 6 हम बताएंगे। इशू 25,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, कंपनी 25,000 शेयर बेचना चाहती है, इशू करना चाहती है और एक शेयर 100 रुपए का है, लेकिन आपको 100 रुपए में 100 में आपको नहीं देगी, आपको प्रीमियम मतलब 20 रुपए अधिक पे देगी, यानी आपको एक शेयर अगर खरीदना है तो 120 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो कंपनी ने एक शेयर आपको 120 रुपए में देने के लिए प्लानिंग किया है जिसमें 20 रुपए आपका प्रीमियम है। ये पैसा आपको कैसे पे करना है, अप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 45 विद प्रीमियम, फर्स्ट पार्ट 20 एंड सेकेंड पार्ट 25, टोटल आप प्लस कर लीजिए 30, 45, 75, 75 और 20, 95 और 95 और 25, आपका होगा 120 रुपये, दैट क्लियर। तो आपको जब एक बार पैसा कंपनी मांगती है तो दो जन एंट्री करनी पड़ती है, टू जन एंट्री, टू और टू फोर जन एंट्री, फोर और टू सिक्स, सिक्स टू एट, ये पहले क्लास में बताया जा चुका है। तो नॉर्मल एंट्री होगी, एप्लीकेशन पे भी नॉर्मल एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल पे भी, सेकेंड कॉल पे भी। प्रीमियम यहाँ पे है तो प्रीमियम कैपिटल की एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन की बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बेटा एप्लीकेशन की एंट्री है 25,000 शेयर है 30 रुपीज की रेट से, कंपनी को 7,50,000 7,50,000 रुपए एप्लीकेशन का मिलेगा। अब कंपनी सेकेंड एंट्री करेगी, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यह एंट्री आपको फर्स्ट डे सिखाया गया था, 7,50,000 7,50,000, यह आपकी टू एंट्री हो गई एप्लीकेशन की। अब यही टू एंट्री अलॉटमेंट में भी होगा, लेकिन कैपिटल की एंट्री में हम प्रीमियम 20 रुपया लिखेंगे। यहाँ पे अलॉटमेंट पे 25 रुपीज आपका कैपिटल है और 20 रुपए 20 रुपीज आपका प्रीमियम है, तो कैपिटल को अलग दिखाएंगे और प्रीमियम को हम अलग दिखाएंगे। आइए एंट्री नंबर 3 अलॉटमेंट की हम करने जा रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट यहाँ सिर्फ कैपिटल नहीं है बेटा, कैपिटल के साथ क्या है, प्रीमियम है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कैपिटल कितना है 25 से 25 मल्टीप्लाई करेंगे 6,25,000 रुपए कैपिटल में जाएगा, 6,25,000, प्रीमियम आपका 20 है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख रुपीज होगा, दोनों प्लस करके अलॉटमेंट पे हमें चाहिए 11,25,000 रुपए, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है विद कैपिटल। और फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, हम अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं टू शेयर अलॉटमेंट, टोटल 11,25,000, बेटा जितने से अलॉटमेंट डेबिट है उतने से क्रेडिट होगा, जितने से एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट है उतने से डेबिट है, 11,25,000 और 11,25,000। ऐसे ही आपकी फर्स्ट कॉल की भी एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल की एंट्री नंबर क्या होगी, 5 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, बट प्रीमियम नहीं है वहां तो सिर्फ कैपिटल लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल, अमाउंट आपका 20 रुपए है फर्स्ट कॉल का, 25,000 25,000 शेयर का 5 लाख रुपए होगा, 5 लाख रुपए, एक कैपिटल की एंट्री होती है और एक बैंक की एंट्री। एंट्री नंबर 6 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का मैटर है तो सिर्फ फर्स्ट कॉल का ही पॉइंट देखेंगे, फिर वही 5 लाख रुपए हम पब्लिक से डिमांड करेंगे और हमें मिल भी गया। नेक्स्ट एंट्री आपकी सेकेंड कॉल की टू एंट्री होगी, जिसमें फर्स्ट कॉल की जगह हम क्या लिख देंगे, सेकेंड कॉल, बस यहाँ पे सेकेंड कॉल चेंज कर देंगे फर्स्ट कॉल की जगह और सेकेंड कॉल की एंट्री बन जाएगी, 25 रुपीज है तो उसमें 6,25,000 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 की एक जन एंट्री, 6 मैंने बना दिया और 5-6 फर्स्ट कॉल की तरह, सेकेंड कॉल भी मैंने समझा दिया, 6,25,000 की एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल की जगह हम सेकेंड कॉल करेंगे, दैट ओके, प्रैक्टिस करेंगे आप, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताइए।